मूंग की दाल को अक्सर बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते, तो इस सिंपल सी मूंग की दाल को बहुत टेस्टी कैसे बनाएं, आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इस दाल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की दाल को लिया है। तो इसे धोकर अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर मैंने पानी डाल दिया है, तो लगभग 2 गिलास के करीब पानी डाला है। कुकर में 1 बड़ा चम्मच घी को ऐड करेंगे, तो ये दाल घी में बनाएं बहुत टेस्टी लगती है। 1/2 चम्मच जीरे को ऐड किया है और 1 पिंच हींग को ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो दाल धोकर रखी थी उसे इसमें डाल देंगे और पानी को भी डाल देंगे। तो सारी दाल को मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक को डालेंगे और नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर को डाला है। उसके बाद कोई मसाला नहीं डालेंगे और ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगवा लेंगे, क्योंकि दाल 1 सीटी में ही गल जाती है। अब सीटी आ गई है तो ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल जो है अच्छे से गली या नहीं। तो दाल अच्छे से गल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च को ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दाल हमारी बनकर तैयार है, पर यहाँ पर हम एक तड़का लगाएंगे जिससे दाल बहुत ही टेस्टी लग रही खाने में। तो 1 बड़ा चम्मच घी में 8-10 लहसुन की कलियाँ बिल्कुल बारीक काट लेंगे, उसे इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आने तक से फ्राई करेंगे। तो जब थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो थोड़ी सी लाल मिर्च को इसमें ऐड करेंगे, चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और दाल पर तड़का लगा देंगे। ये तड़का इतना टेस्टी लगता है कि हमारी दाल का स्वाद ये दुगना कर देगा। तो आप बिना प्याज टमाटर के भी सिंपल सी मूंग की दाल को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो एक बार इस तरह से तड़के वाली मूंग की दाल को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।